का प्लेयर गाजीपुर के कोर्ट में रेड करता हुआ पहला रेड, अच्छी शुरुआत। पिछले मैच में मऊ को पराजय हाथ लगी थी, परंतु इस मैच में देखना है क्या ऐसा प्रदर्शन होता है। गाजीपुर का प्लेयर मऊ के कोर्ट में थोड़ी धीमी शुरुआत, दोनों ही टीमों ने अभी तक कोई स्कोर नहीं बनाया है। ये मैच अन्य मैचों की अपेक्षा अधिक कठिन होने जा रहा है, क्योंकि तीन रेड होने के बाद भी अभी तक कोई स्कोर नहीं बन पाया है, और लो स्कोरिंग मैच होने का एक सबसे अच्छा फायदा होता है कि मैच बहुत कांटे का होता है, दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेलती है, प्रयास किया है, अपील भी की है, और कैचर आउट, तीन नंबर का प्लेयर बाहर। गाजीपुर की शुरुआत होती हुई, इस बीच डू और डाई की विजिल बच चुकी है, मऊ के प्लेयर को छू करके ही आना होगा, बिना छुए आप नहीं आ सकते। दो अंक लेकर के अपने कोर्ट में अंतिम समय में गाजीपुर के प्लेयर्स ने गलती कर दी। ऐसे अभी मैच आपके हाथ में होता हुआ भी निकल जाता है, शुरुआत में है अभी, इसलिए अधिक समस्या नहीं है, परंतु इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा। डू और डाई रेड में रेडर को अधिक से अधिक थकाइए, और प्रयास किया है एकदम शानदार होल्ड, मऊ का शानदार शुरुआत, तीन स्कोर पहुंचता हुआ, एक पर रुका हुआ गाजीपुर। पिछले मैच की अपेक्षा इस बार बेहतर करते हुए मऊ के प्लेयर, जो भी प्लेयर अभी तक जिनका मैच नहीं है वो भोजन नहीं कर पाए हो तो भोजन कर ले। कोई नुकसान नहीं, मऊ 3 गाजीपुर 1, दो अंकों से बढ़त बना चुकी है मऊ की टीम। सभी मैच काटे कर रहे हैं, प्रयास किया है, देखना है कैसा सफल हो पाते हैं। नहीं ना ना बाहर ना बाहर ना मऊ 4 गाजीपुर 1। सुपर टैकल ऑन है, पकड़े जाने के बाद 2 पॉइंट मिलेंगे गाजीपुर को, परंतु सफलता मिलेगी या नहीं देखना होगा, पकड़े तो नहीं जा सके, परंतु कोई नुकसान भी नहीं किया। मऊ 4 अगला मैच बनारस और नरही, अगला मैच बनारस और नरही के बीच होगा। अपील किया है 1 पॉइंट का, फौजी बाहर, और या डू और डाई वाला रेड है, आपको छू करके ही जाना है, अन्यथा आप आउट हो जाएंगे। ले चल
ये अंतिम समय और प्रयास किया है। वैसे भी रेफरी ने अपनी उंगली उठा दी थी, आउट होना ही था, हालांकि पकड़े अवश्य गए, परंतु इस प्रकार के रेडर्स को अंतिम समय में पकड़ना बड़ा रिस्की होता है। अगर निकल गया तो आपके पास आने वाले पॉइंट चला जाएगा। तीन चार मऊ चार गाजीपुर तीन, शानदार मैच, कांटे का मैच, दोनों ही टीम में शानदार प्लेयर अपना प्रदर्शन करते हुए। किसी का भी जीतना इतना आसान नहीं है, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। इसके बाद वाराणसी और नरही, इन दोनों ही टीमों का मैच होगा। पिछले मैच में नरही ने और इस बार मऊ के प्लेयर ने टेस्ट तो कर दिया है कॉर्नर को। सात नंबर प्लेयर आर्यन बाहर जाना होगा। स्कोर बढ़कर हुआ पांच और गाजीपुर तीन, दो अंक का बढ़त बना चुका है, दो अंक की लीड ले चुकी है मऊ की टीम अभी भी। इसके बाद वाराणसी और नरवी, बाबा विश्वनाथ के क्षेत्र से चल करके आए हुए जो प्लेयर हैं वाराणसी के, अद्भुत इस ग्राउंड पे हमेशा उन्होंने विजय हासिल की है, परंतु नरवी का होम ग्राउंड है, मेजबानी कर रहे हैं, इस वजह से आसान भी नहीं होगा वाराणसी के लिए। अगला मैच वाराणसी और नरवी, मऊ पांच गाजीपुर तीन, पांच तीन, डू और डाई, डू और डाई रेड में छू करके जाना पड़ेगा किसी भी प्लेयर को। और प्रयास किया है बोनस का, देखना है सफल हो पाते हैं या नहीं। अगर सफलता मिली है तो बच जाएंगे, अन्यथा डू और डाई रेड है, बड़ा कठिन होगा। और बहुत विश्वास था इस प्लेयर को, उसने बोनस करते हैं, विश्वास था, इस वजह से स्कोर बढ़कर गाजीपुर का चार मऊ पांच गाजीपुर चार। चार और पांच बहुत ही टक्कर का मुकाबला, कांटे का मुकाबला, कोई भी टीम जीत सकती है यदि आप प्रयास न कर पाए। और टच कर दिया है मऊ के रेडर ने, स्कोर बढ़ता हुआ छह, फिर से दो अंकों की प्राप्त कर चुकी है मऊ की टीम। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो कि पूरे विश्व में भारत की मिट्टी से प्रारंभ हुआ। कबड्डी, खो खो, शतरंज, ये सभी बहुत ही शानदार है, परंतु भाप नहीं पाए, जितना उछलना था उससे कम ही उछल पाए, इस वजह से गाजीपुर का रेडर फंस गया और आउट हो गया। सात मऊ चार गाजीपुर, तीन अंकों की लीड हो चुकी है। सुपर टेकल पकड़े जाने के बाद दो अंक मिलेंगे गाजीपुर को, परंतु आसान नहीं है। प्रयास किया, देखना अकेले ही, अकेले ही आउट कर दिया। लीड नहीं है, कोई भी जीत सकता है। प्रयास प्रयास से कुछ भी संभव है। अच्छा प्रयास, परंतु सफलता नहीं मिली। इस बीच हाफ टाइम होता हुआ आठ मिनट, Thank you.
मैच दूसरे हाफ टाइम का प्रारंभ हो चुका है, दूसरे टाइम का प्रारंभ हो चुका है। छह गाजीपुर सातों प्रेस के आयोजन से और इसी के साथ रेड से और कैचर आउट दो पॉइंट और पहली बार गाजीपुर इस पूरे मैच में बढ़त बनाती हुई 8-9-7 एक पॉइंट से लीड ले चुकी है गाजीपुर की टीम। इसलिए कहा जाता है प्रयास तो किया है, कोई नुकसान नहीं, रेफरी ने नहीं माना आपकी अपील को। इसमें यदि आप टच किए हैं और जो टच हुआ है इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा तभी जाकर के मामला पकड़ता है फिर से प्रयास। और जैसे ही लीड बनाया गाजीपुर ने बॉडी लैंग्वेज आते थे दोनों ही प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। चेंज का मतलब ये है कि गाजीपुर ने लीड बनाई, गाजीपुर के बॉडी लैंग्वेज बदल गई है और स्फूर्ति आ गई है और नए के प्लेयर थोड़े धीमे पकड़े गए 10 गाजीपुर 10 मऊ 7 तीन अंकों का फासला सुपर टेकर ऑन पकड़े जाने पर 2 पॉइंट और अगर नहीं पकड़े गए तो फिर 3 अंकों का फासला बना रहेगा। दर्शकों से विनम्र निवेदन है इतनी जल्दी बारिश आने वाली नहीं है, जब तक हवा चल रही है तब तक बारिश नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए। हवा रुकने के बाद ही कुछ संभावना है। वाराणसी और न रहेगा इसके बाद मैच है। इसके बाद वाराणसी और नरही इन दो टीमों का मैच है। 10-7 डू और डाई और सुपर टेकर ये दोनों ही अपने आप में है तो विरोधाभासी परंतु दोनों ही टीमों के लिए बड़ा काम करते हैं। छू दिया डू और डाई रेड में सफल हो गए, स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 11। समय कम बचा है, और ये सफलता एक पॉइंट का मात्र फासला बचा है। छू दिया है गाजीपुर के प्लेयर ने, 2 अंक का फिर से फासला हो गया। अंतिम समय कितना बचा है बताएंगे, 2 मिनट अंतिम समय, 2 मिनट इन 2 मिनटों में जो कुछ करना है कर जाना है। क्या देख रहा है, आउट होता है और ये आउट, बाहर जाना है तो जाना होगा बाहर। थोड़े से पीछे 13 और 10 गाजीपुर ने पिछड़ते हुए वापसी की है। एक रेड इस ऐसे मैचों में एक रेड पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। वाराणसी और नरेंद्र
को हटाइए, क्षमा चाहते हैं। प्रयास किया है बोनस का, अंतिम समय में मैच है, बड़ा कठिन होगा वापसी करना। और पकड़ लिए गए, बोनस दे दिया है, बोनस ले लिया है पॉइंट, इसलिए गाजीपुर को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया है। और इसी के साथ यह पकड़ लिया, ये दो पॉइंट सुपर टाइटल ऑन था। सुना सुना गाड़ी में गाड़ी।